बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वकूआ हुआ वो इसलिए हुआ कि खान साहब के केस से तवज्जो हटाई जाए। आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं हटानी। आज जो हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले खान साहब के हवाले से बात करूंगा। हम बारह इस्तदा कर रहे थे कि जनाब खान साहब का केस जो है फिक्स करके उसके ऊपर फैसला दिया जाए। कभी नोटिस दिए जाते हैं जनाब कि आप जो है वो इतने टाइम के बाद आ जाए, रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। कभी दूसरे वकील की तरफ से ये कहा जाता है आज हमारी तैयारी नहीं है, फिर डेट दे दी जाती है। कभी ये कहा जाता है कि वकील साहब बीमार हैं, फिर डेट दे दी जाती है। और आज आप देख लें कि आज जुमा है, हफ्ता इतवार, तीन दिन की डेट दे दी गई। तो खान साहब के साथ इस केस के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा, खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। नीचे आप देख लें कि ट्रायल जितनी जल्दी में चला है, एक दिन जब हम पेश भी हुए हैं और हमारे आर्गूमेंट्स नहीं सुने गए, जब हम कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं और 12:30 बजे फैसला दे के अगले 10 मिनट में गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप ऊपर देख लें कि किस तरह से इस केस के अंदर जो है डिले जानबूझकर किया जा रहा है। दूसरी आपको ये बताऊंगा कि जब हम कोर्ट से निकले हैं, लिफ्ट में गए हैं, तो लिफ्ट फौरन से बंद हो गई। लिफ्ट की जो लाइट है वो भी अंदर बंद हो गई, ना अंदर हवा आ रही थी ना अंदर लाइट थी। 10-12 लोग 15 लोग वहां पर अंदर मौजूद थे, कुछ जो है वो साफी हजरात थे, खोसा साहब थे, अरीजाज बोटर साहब थे और कुछ दोस्त थे जो अंदर मौजूद थे, वकील सलमान वगैरह। तो वहां पर हमने देखा कि कोई बंदा नजदीक ही नहीं लिफ्ट के आ रहा, कोई ऑपरेटर की तरफ से कोई हिलजुली नहीं हो रही, कोई हमें मूवमेंट ही नजर नहीं आ रही कि लिफ्ट बंद हुई है। कोई ऊपर कंट्रोलर होगा, कोई लिफ्ट को देखने वाला इंचार्ज होगा, किसी बंदे की तरफ से मैसेज नहीं आ रहा। हमने क्या किया कि हमने कोशिश की कि किसी ऐसे कोने में खड़े होके ट्वीट किया जाए। 10-15 मिनट लग गए ट्वीट करते करते भी, क्योंकि वहां पर अंदर सिग्नल भी नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से 1-2 लोगों की बात हुई और हमने इंतजामिया से रब्ता किया। मैंने भी फिर फोन मेरा मिला, जिस एक कोने के अंदर जब खड़े हुए हैं सिग्नल आए तो मैंने कहा जी के ये लिफ्ट बंद हो गई है, आप जो है लिफ्ट को चलवाएं। फिर रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन कोई बंदा आ ही नहीं रहा था और हम तकरीबन आधा पौना घंटा यूं ही अंदर खड़े रहे, कोई बंदा इमदाद के लिए नहीं आया। लेकिन आपको मैं वाजे कहना चाहता हूँ, हमें उन्होंने आज 1 घंटा अंदर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सुफोकेशन हुई, जो हुआ पसीने आए या हमने कलमा पढ़ा, जो भी किया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वकालत ना ये छुड़वा सकते हैं इमरान खान की, ना इमरान खान का साथ छुड़वा सकते हैं। हम बिल्कुल पूरी टीम जो है खान साहब के साथ खड़े हैं, कैम है। हमारा सिर्फ ये की मुतालबा था अंदर भी कि 16 महीने से मुल्क जो है, आज हम तो ये चंद लम्हों के लिए सफोकेशन फील कर रहे हैं, 16 महीने से मुल्क जो है ये सफोकेशन फील कर रहा है। और इस मुल्क को जिसके अंदर जो आइन है वो मुअत्तल हो चुका है, मुल्क बेआइन हो चुका है, इस मुल्क के अंदर आइन बहाल किया जाए, कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और इस मुल्क के ऊपर, इस आवाम के ऊपर जुल्म ना किया जाए, इंसाफ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जान हाजिर है खान साहब के लिए। वकालत तो छोटी चीज है, हम हर वक्त जो है वो जान हथेली पे रखकर खान साहब का साथ दे रहे होते हैं और उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया।